क्या जवाब मिला था? जवाब तो ऐसा कुछ नहीं मिला था, लेकिन घर संगठन के लोग मुझे सलाह मशवरा के हिसाब से बोले कि दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के पितृपुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के दत्तक पुत्र प्रदीप नारायण दीवान। पिछले बार कहते हैं कि पिछले बार ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इनके चुनाव लड़ने की वजह से भाजपा बुरी तरह से हार गई और कांग्रेस को काफ़ी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को सफलता मिली। तो हमारे साथ हैं प्रदीप नारायण दीवान। इस बार उनकी क्या रणनीति है और ये क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है और ये क्या कुछ करने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रदीप नारायण दीवान जी हैं। दीवान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 18 के बाद फिर से इस बार चुनाव होना है जी, क्या तैयारी चल रही है इस बार आपकी? तैयारी तो वैसा चल नहीं रही है, लेकिन पार्टी अगर चाहेगी तो मैं उम्मीदवारी जरूर करूँगा और सारे जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा मुझे चर्चा भी लिया जा रहा है। तो पिछले बार भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, पिछले बार भी आपका नाम आया था लेकिन इन वक्त पे आपका नाम कट गया, फिर आप मतलब तब की परिस्थितियाँ क्या थी जी? भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक से प्रत्याशी नहीं रखने के कारण पिछले बार हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के समर्थक लोग बोले कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। आपको बता दें कि प्रदीप नारायण दीवान है, पिछले बार 2018 में जब चुनाव लड़े थे तो ये निर्दलीय लड़े थे और इनके साथ में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की तस्वीर थी और यही उस वक्त काफ़ी चर्चा में आई थी। इस बार भी टिकट 21 जगह फाइनल हो गए हैं और जसपुर ज़िले का भी आजकल में 2-3 में फाइनल होने वाला है। आपका नाम फाइनल में है जी? फाइनल में है मेरा नाम। फाइनल में आपका नाम जी? तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाईकमान चाहेगी, पार्टी चाहेगी, राज परिवार चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर नहीं मिला टिकट तो क्या, फिर भी लड़ेंगे चुनाव जैसे आपने पहले लड़ा था? ऐसा तो कुछ बात नहीं है, सभी जनप्रतिनिधि और हमारे शुभचिंतक लोग एक साथ मिलकर इस बार माँ घोटाला नायक ये सरकार को ध्वस्त करना है, इसलिए सब हम लोग बनाए नहीं है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट को इस बार निपटाना है। दीवान जी, आप दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा के अनावरण के लिए आपने संघर्ष किया, अपने यात्रा निकाली, अपने भगवा यात्रा निकाली, किस तरह की यात्रा थी और क्या कुछ चला था उसमें थोड़ा बताइए। सभी धर्म प्रेमियों ने कुमार साहब का नाम लेते हुए मेरे को सलाह दिए कि आपको भी सब बीच बीच में पदयात्रा लोगों के साथ चलते रहना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और अमन का चैन बने रहे, इसलिए मैं ये भगवा यात्रा निकाला था। दीवान जी, एक बार मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, आपने एक सभा में खुद से कहा था कि हमको टिकट चाहिए। आप 2-2.5 साल पहले ही दावेदारी पेश कर चुके थे, आपने एक सभा में कहा था, तब नेताओं से क्या जवाब मिला था? जवाब तो ऐसा कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर संगठन के लोग मुझे सलाह मशवरा के हिसाब से बोले कि इस बार आपको कुमार साहब का नाम लेते हुए विधानसभा का तैयारी करना चाहिए, इसलिए मैं किसी सभा में बोल दिया हूँगा, लेकिन सारे क्षेत्र के लोग मुझे एक विधायक के रूप में देखना चाहता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव भी 2-2 बार न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिए थे, इसलिए लोग का कहना है कि आप एक बार बनो क्षेत्र में ताकि आपको सेवा करने का अवसर मिले। मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर मिले। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव मुझे दत्तक पुत्र बना के बैठा के सुबह शाम यही शिक्षा देते रहते थे कि देखना दीवान, देखना दीवान, थोड़े क्षेत्र के लोग को देखना यार, इस टाइप का उनसे मेरा मार्गदर्शन होते रहता था। उस अमल करने के विचार से मैं और कुमार साहब बोल के गए हैं कि देखना क्षेत्र में शांति का व्यवस्था बने रहे, किसी तरह का नक्सली यहाँ प्रभावित ना हो, इस क्षेत्र को बचा कर रखना। हर दिन मतलब जब भी उनके साथ रहता था सुबह सुबह बैठा के मेरे को उपदेश देते थे, इसलिए मुझे बोले भी कि समय आने पर तुमको। अभी कुछ दिन पहले आपने भगवा यात्रा भी किया था जी,
वो किस तरह की यात्रा थी? उस यात्रा में पूरे क्षेत्र के माता बहनें बुजुर्ग मेरे मार्गदर्शक क्षेत्र के सभी कोई बोले कि कोरोना काल आया हुआ था तो भाई वो सारे रोग लगा हुआ था तो सभी ने सलाह किया और मुझे अगुवाई के रूप में 75 किलोमीटर का पद यात्रा माँ भगवती मंदिर से शंख बॉर्डर तक कराया। उसमें बहुत सारे धर्म के समाज के लोग माता बहन बुजुर्ग साथ चले और हमारी भगवा यात्रा काफ़ी सफल रूप से हुआ। किसी को है ना अनलीगल चोट या तबीयत या कुछ मरने जीने का ऐसा कुछ तूफान नहीं आया। बहुत शांतिपूर्वक पदयात्रा हम लोग का चला। कितने दिन यात्रा चली थी? लगभग ये यात्रा 3 से 4 दिन तक चली थी। अच्छा, शंख बॉर्डर तक। अच्छा, मतलब कहाँ से कहाँ तक बताया? ये भगवती मंदिर हर्रडीपा से लेके शंख बॉर्डर तक हम लोग भगवा यात्रा का। इसके अलावा भी आप यात्रा निकाल चुके थे, पहले भी यात्रा कर चुके थे आप? जी जी, बीच बीच में कहीं कहीं गांव-गांव में बैगा को जगाना, शिव जी के मंदिर में जाके माता बहन को अनुसरण लेना और आज अखिल भारतीय कल्याण आश्रम भी हमारे बीच में आते रहते हैं और निर्देश देते रहते हैं कि मंदिर का रक्षा करना है। अच्छा, आप कल्याण आश्रम से भी जुड़े हुए हैं और जसपुर राज परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी पैरवी इनकी तरफ से टिकट के लिए? नहीं, कल्याण आश्रम तो भाई बोला है कि हम लोग आपका नाम पैनल में भेजे हैं जी, और तैयारी पार्टी के हिसाब से आप करते रहिए। क्षेत्र में हम घूमते रहते हैं, आज भी ग्राम बगीचा के अगल बगल घूम रहे थे ताकि आपसे मुलाकात भी हो गया। मेरा पैलेस कितना सपोर्ट है, पैलेस का कितना सपोर्ट है? देखिए, अब पैलेस को क्या बताएं, फुल सपोर्ट है, लेकिन भाई लोग बोलते नहीं हैं, देना जानते हैं लेना नहीं जानते हैं। मतलब पैलेस की ओर से सपोर्ट आपको मिलता है? जी जी जी, निर्देश मिलते रहता है। तो आपको क्या लगता है, इस बार आपको टिकट मिलेगी कि नहीं? देखिए, हमारे आश्रम और गाँव और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि तीसरे नंबर पर आपका पैनल में नाम है, आप प्रत्याशी बन सकते हो। अच्छा दीवान जी, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आप जसपुर के लिए क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के मेरे गोदनामा पिताजी हैं, उनके नक्शे कदम पे चलूँगा और जसपुर विधानसभा और क्षेत्र को उनके अनुसरण से सुंदर जसपुर बनाएंगे। किस तरह की, मतलब जसपुर को किस तरह से, मतलब क्या स्वरूप देंगे जसपुर? जिससे जसपुर में पेड़ पौधा सुंदर स्वरूप सजे रहे, पहाड़ों में जानवर हरेक प्रत्येक के जानवर विचरण करे, सुख शांति अमन चैन उनका वो था, सपना था, उसको पूरा करने का मैं वादा करूँगा और जितना बन पाए जनता के लिए मैं सेवा करूँगा। आपका जो पहाड़ी इलाका है जहाँ से बिलोंग करते हैं और काफ़ी मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो उसका डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ सोचे हैं? इस पहाड़ क्षेत्र के लिए बहुत हाई फाई हॉस्पिटल हो ताकि हमारे आदमी, इस क्षेत्र के आदमी, एक से एक बीमारी होता है उसको रांची या तो अंबिकापुर या तो रायपुर भेजा जाता है, वो यहाँ पाठ क्षेत्र में इलाज हो, माँ बहन बच्चे बूढ़े सभी का, ये मेरा संकल्प है पाठ के लिए। आप स्वर्ग दिलीप सिंह जुदेव से आप उनके साथ रहते थे, उनके साथ अपने काफ़ी समय बिताया, कुछ उनकी कही गई बातें कुछ आपको याद, मतलब काफ़ी जो मतलब बिल्कुल शायरी वगैरह में जिसे बोलते हैं, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, अरे इसमें भी वाह वाह और उसमें भी वाह वाह, और ये भी कहते हैं मुश्किलों में रहने वाला को किस बात का फिरवान दीवान देखा जाएगा, बोलते थे इसमें भी वाह लगे रहो जी, इसमें जी जी बोलते थे, कई शायरियाँ बोलते रहते थे बीच में। लेकिन पिछले बार तो आपने व्यवसाय नहीं किया था, इसमें भी वाह वाह है उसमें भी वाह वाह तो नहीं था? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का बुराई विरोध कभी नहीं करूँगा, ना मेरा परिवार नहीं, नहीं, करेगा नहीं विरोध नहीं, लेकिन इसमें भी वाह वाह है उसमें भी वाह वाह, पिछले बार तो आप नाराज हो गए तो उसमें वाह वाह नहीं था? ये इसको बोलना पारिवारिक बात था जी, इसलिए मैं ज़्यादा इस विषय पे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ प्रदीप नारायण दीवान, जो पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस बार उनको उम्मीद है कि भाजपा इनको टिकट देगी और भाजपा टिकट देगी, तो जसपुर और ख़ास करके पाठ इलाके के लिए जहां से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का विकास करेंगे, एक नए पाठ एक नए जसपुर का निर्माण करेंगे। तो आगे क्या होता है तो देखने वाली बात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और मुनादी .com द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, राजेश पांडे के साथ नमस्कार।